वेदी जी आप सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक सम्मान की नहीं है, इस समय मोदी जी एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसे दो बार अमेरिका भाषा में उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। यह वो क्षेत्र है जहां डेमोग्राफी में सबसे भारी परिवर्तन पिछले 25-30 सालों में हुआ है, जनसंख्या का सबसे भारी असंतुलन हुआ है, और वहां पर कांग्रेस ने पूरे देश की राहुल गांधी से तकरीबन 3 गुनी बड़ी जीत धुबरी असम में मिली है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, बदरुद्दीन अजमल वहां से चुनाव हार गए, AIUDF के चीफ, जिनकी पार्टी के बारे में यह प्रचलित धारणा थी कि वो घुसपैठियों का समर्थन करती, मैं प्रचलित धारणा वर्ड कह रहा हूं, वो उनसे समर्थन हट के और कांग्रेस को इतना शानदार समर्थन मिले, तो ये मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, देश की प्रबुद्ध जनता के सामने एक विचार छोड़ रहा हूं कि इस चुनौती में, इस आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है। नीरज पांडे, ABP। हाल में संपन्न चुनावों में और उसके बाद शपथ ग्रहण में संविधान लेकर जो लोग आए थे, सर्वोच्च न्यायालय के इस डिसीजन ने भारत की संविधान पर आए सबसे बड़े संकटों में से एक का उत्तर दिया है। इमरजेंसी की बात तो सब लोग करते हैं, परंतु यह जिस संदर्भ में दिया गया है, संविधान पे बहुत बड़ा खतरा था जब 1985 शाबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो, संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब जब ये सत्ता में आए हैं अनेक अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है, परंतु आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 40 साल पहले 39 years before एस्टैब्लिश किया था, उसको समाप्त किया है। और दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है, यानी किसी भी महिला को अब मेंटेनेंस का अधिकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन शी बिलोंग्स टू। आनंद पांडे, TV9। देखिए, महंगाई के विषय के ऊपर पुनः कहना चाहेंगे, इस समय महंगाई की दर 5% से कम है, और अगर आप इस बात को चेक करें तो जो स्टैंडर्ड RBI की गाइडलाइंस हैं, 2% से लेकर 6% तक महंगाई की दर एक कंट्रोलेबल और सामान्य स्थिति की मानी जाती है। हमारे विरोधी अपने शासनकाल का कांग्रेस 5 साल बता दे जब 5% से महंगाई की दर कम रही। भारत के इतिहास में डबल डिजिट इन्फ्लेशन उन्हीं के शासनकाल में रहा है, और मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य लगता है, कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग ट्वीट करते हैं कि 45 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। अब 45 साल तो 1979 से होते हैं, 17% महंगाई नहीं थी 91-92 में, और 2010 और 11 में 10% से ऊपर थी। तो मेरा मानना है कि महंगाई के विषय के ऊपर तथ्यात्मक बात करनी चाहिए, और मैं देश की जनता से कहता हूं, सब जाइए अपने अपने इंटरनेट पर खोलिए और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था पिछले 50 साल का सारा डाटा अवेलेबल है, फिर इनको जवाब दीजिए जो कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई और 45 साल की सबसे बड़ी महंगाई है। वास्तविकता यह है कि भारत ने महंगाई को बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया है, और मैं इसको आज के इस विषय से भी जोड़ना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी रूस में है, हमारा सबसे ज्यादा आयात विदेशी मुद्रा का पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऊपर होता था,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मेजर हम रूस से ले रहे हैं, इसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम उस तेजी से नहीं बढ़े जैसे दुनिया में बढ़े हैं। दूसरा, हम रूपी रूबल में कन्वर्जन कर रहे हैं, इस कारण से डॉलर के होने वाले प्रभाव से हमें काफी हद तक बचाव मिला हुआ है, टू ए लार्जर एक्सटेंट इम्यूनिटी फॉर द चेंज इन द डॉलर, डिस्पाइट कि अमेरिका ने पिछले दो साल में दो बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। तो महंगाई पर कितना, और दाल के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, कोई जाके चेक कर ले कि हमारी सरकार आने से पहले कितना दाल का, दलहन का स्टोरेज और इंपोर्ट था और कितना प्रोडक्शन था, और हमारी सरकार आने के बाद कितना बदलाव आया। देखिए, जो कुछ कानूनी विषय है इसमें सर्वोच्च न्यायालय पूरी कानूनी तकनीकी बारीकियों के आधार पर निर्णय लेगा, पर जहां तक कांग्रेस की सोच की बात है और कर्नाटक की बात है, तो अनुसूचित जाति के संदर्भ में उनकी संवेदना वहीं तक रहती जब तक तगड़ा वाला वोट बैंक ना दिख जाए। जैसे उससे तगड़ा वाला वोट बैंक दिखता है तो तराजू पर तौलते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। शायद आप लोगों को न ध्यान हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, ये वही कर्नाटक है जहां कांग्रेस के एक दलित नेता थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, जिनके ऊपर एसडीपीआई वाले लोगों ने, पीएफआई वाले लोगों ने उनके घर पर अटैक करके और सब आग वाग सब लगा दी थी, और उसके बावजूद कांग्रेस अपने नेता के साथ नहीं खड़ी हुई। वो दलित थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके साथ नहीं खड़ी हुई, आखिर में दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वो कोर्ट गए, वहां भी कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया और वो अलग रहे। तो नैतिक आधार पर कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट हो जाता है, वैधानिक आधार पर सर्वोच्च न्यायालय अपना जो निर्णय लेगा उस वो चिरोधार्य होगा। आई थिंक इट इज बेटर दैट द रीजनल पार्टीज should try to refrain their comments beyond the purview of the foreign policy. And even if, तो मैं तो सिर्फ यह कहना चाहूंगा संजय राउत जी से, अरे मोदी जी का पुरस्कार तो छोड़िए, आपने कैसा तिरस्कार किया है अपनी परंपरा का, बाला साहब ठाकरे जी की उस शानदार परंपरा का और उनकी विरासत का, मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ा विषय है और कहना नहीं चाहिए जिन लोगों ने क्या क्या शब्द बोले थे उनके लिए और किस किस प्रकार की बातें कही थी, आज उनके साथ जाके आप खड़े हो गए। और विदेश का जहां तक बात है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने पुनः ये बात कही कि रूस और अमेरिका दोनों का इतना सम्मान देना, इसराइल और फिलिस्तीन दोनों का सम्मान देना और यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब का इतना सम्मान देना निश्चित रूप से गर्व का विषय होना चाहिए, और इसके ऊपर क्षेत्रीय राजनीति को ध्यान में रखकर टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। अमित पांडे, अमेरिकी रिसर्च सेंटर क्यूब रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया और पाया कि 77% भारतीय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट है। 31 देशों का सर्वे किया और भारत को दूसरे स्थान पर पाया। वैसे प्यू रिसर्च का एक और सर्वे है जिसमें उसने बताया है कि 90% माइनॉरिटीज फील फ्री एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड इन इंडिया। और मुझे लगता है कि समस्या क्या होती है कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करने लगते हैं, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बात आई, जरा आप लोग देखिए ईस्टर्न यूरोप से शुरू करिए और जापान तक जाइए, इन द इंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर द प्योर कंसिस्टेंट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी